नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे श्वेता रस्तोगी जी, दीपिका चिखलिया जी और सुनील लहरे जी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी सी वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं श्वेता रस्तोगी जी के बारे में, जिन्होंने अपनी एक फोटो साझा की है जिसमें वह मॉडर्न लुक में नजर आ रही है और बताया है कि वह बहुत जल्द किसी दूसरे नए टीवी सीरियल में नजर आएंगी। हालांकि भी उन्होंने टीवी सीरियल का नाम नहीं बताया है। अब बात करते हैं सुनील लहरी जी के बारे में, जिन्होंने एक पोस्ट साझा की है जिसमें वे लेटते हुए किताबें पढ़ रहे हैं। इसके अलावा दीपिका चिखलिया जी ने भी एक फोटो साझा की है जिसमें वे अपनी सहेलियों के साथ नजर आ रही हैं और दामिनी शेट्टी जी ने भी एक पुराना वीडियो शेयर किया है जो कि दिवाली के समय का है। अगली न्यूज़ है कंगना रनौत की तरफ से, जिन्होंने एक वीडियो साझा किया है और बताया है कि वे अपने बंगले का केस जीत गई है। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाईवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाईकोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी लाइट about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains because it's only because of them I can play a hero. Thank you. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वैसे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।